दशक के लोगों का सबसे फेवरेट सीरियल रामायण आज भी लोगों को उसी दीवानगी का एहसास कराता है जो उन्हें पहली बार देखने पर हुई थी। साल 1987 में शुरू हुए इस शो ने पॉपुलैरिटी के मामले में उस दौर के सभी सीरियल को पीछे छोड़ दिया था और अभी भी ये क्लासिक रामायण लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहा जाता है कि शो को लेकर लोगों के अंदर इस कदर दीवानगी थी कि टीवी पर इसके शुरू होते ही लोग सब कुछ छोड़ टीवी से चिपक जाते थे। टीवी पर रामायण के आते ही सड़कें वीरान हो जाती थी। इस शो और इसके कलाकारों को देश भर में काफी प्यार और सम्मान मिला था। इस सम्मान की झलक आज भी देखने को मिलती है, जहां हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें 35 साल बाद भी शो के कलाकारों के प्रति लोगों का प्यार और सम्मान साफ नजर आ रहा है। वायरल हुई इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल संभाजी नगर पहुंचे थे और जब वे एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे तो तभी देखा गया कि एक महिला नम आंखों से भावुक होकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस महिला ने राम के दर्शन पा लिए हो। वहीं अरुण गोविल ने उस महिला को उठाया और उसके साथ कई सारी फोटोज भी क्लिक की। इसमें कोई शक नहीं है कि शो से फेमस हुए राम की भूमिका में अरुण गोविल और सीता के किरदार में दिखी दीपिका चिखालिया लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें असल में ही भगवान मानने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो उसका सफल उदाहरण भी है। आपको इस सीरियल में किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी वायरल वीडियोस और बॉलीवुड जगत की तमाम अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल NDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।